तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करेंट बैलेंस है वो बिल्कुल 0-0 हो चुका है, जो कि हमने क्लेम किया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईएसएस सेटलमेंट का। फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। फ्रेंड्स, यदि आपने भी ट्रस्ट कंपनी टीम लीज का पीएफ विड्रॉल क्लेम ऑनलाइन किसी और से करवाया हुआ है या तो खुद से किया हुआ है और अब आप उसका स्टेटस जानना वो लाभ उठाना चाहते हैं, तो जानेंगे इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। इसके लिए कृपया आप इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली। हम गूगल ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आपको टाइप करना है टीम लीज पीएफ, यहाँ पे सर्च कर लेंगे। उसके बाद अगला इंटरफेस कुछ स्टेप से ओपन होकर के आ जाएगा आप सामने। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है tlpf.teamlead.com। आपको इस पे चले जाना है ESS लॉगिन पे और यहाँ पे हमें लॉगिन कर लेना है। फिलहाल में आप इस वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आप इससे पहले वाले वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने बताया हुआ है कि फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करते हैं, सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। हालांकि यहाँ पे अब हम इस पे लॉगिन कर लेंगे, जो भी हमारा यहाँ पे लॉगिन आईडी है वो एंटर कर लेंगे, पासवर्ड एंटर कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जनरेट एनुअल स्लिप और यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड देखने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से भी डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, तो यहीं पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही गो टू डैशबोर्ड करेंगे तो आपको सारा इसका हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, कितना पैसा था, कितना बचा है, कितना आपने निकाला, सेटल हुआ या नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करेंट बैलेंस है वो बिल्कुल 0-0 हो चुका है, जो कि हमने क्लेम किया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ESS सेटलमेंट का, जो कि ट्रांसफ़र आउट एप्लीकेशन था। बाकी जो भी एप्लीकेशन टाइप है वो देख सकते हैं, कितने तारीख को आपने एप्लीकेशन यहाँ पे किया हुआ था उसका डेट दिख जाएगा। 14 दिसंबर 2020 का आपका प्रोसेस हुआ है करीब 8 दिन बाद, और उसके बाद डेट ऑफ लिविंग वगैरह दिख रहा है, जो भी रिजाइन है। अब देखिए, इसमें आपके पैसा है बिल्कुल 0-0 हो गया है, अब आपके बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द अपडेट भी हो जाएगा। जब ये पैसे 0-0 हो जाते हैं उसके 2 या 3 दिन के अंदर में ही आपका पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, और जो टीम लीज ग्रुप है इसके तरफ से भी मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन पे कि इतने तारीख को आपका जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है और वो आपके जल्द से जल्द बैंक अकाउंट में भी ऐड हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे जब हम सेटलमेंट में जाएंगे ट्रांजेक्शन में, तो यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। सेटलमेंट में हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका प्रोसेस आपने किया हुआ था सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर की साइड ही दिख रहा है। देखिए, डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है, जो कि डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे हट गया है क्योंकि ये प्रोसेस्ड हो गया है। देखिए, यहाँ प्रोसेस्ड, यहाँ पे स्टेटस में प्रोसेस्ड लिख रहा है अभी भी, और उसके बाद जो भी आपका डेट है, कब आपका प्रोसेस्ड हुआ है, क्या डेट ऑफ लिविंग है, ये सब कुछ यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। और यदि आपने कभी क्लेम किया नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा आपको, जो सबसे ऊपर ही दिख रहा है। यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कब आपने किया था, क्या डिटेल है, इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। जैसे ही ये जो एम्प्लॉई है इनके बैंक अकाउंट में सारा पैसा आ जाता है, तो उसके बाद से मैं एक फाइनल प्रूफ वीडियो भी बना करके दे दूंगा कि इनका इतना पैसा था, इतने दिनों में आया और कितना आया और कब कितना टाइम लगा, सारा कुछ उस वीडियो में मैं कवर करूंगा। फिलहाल में आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे आप अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक कर पाएंगे, जो भी ट्रस्ट कंपनी आपकी टीम लीज कंपनी है, यदि आपने कभी क्लेम किया हुआ है, किसी और से करवाया या फिर खुद से भी किया हुआ है, तो कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका पैसा है वो अब प्रोसेस्ड हो गया है या नहीं हो गया है, आपके अकाउंट में बैंक अकाउंट में आने वाला है या नहीं आने वाला है। फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ के लिंक देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको रिलेटेड वीडियो का लिंक नहीं मिलता है तो नीचे कमेंट कीजिए, डायरेक्ट आपके कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।